अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो आ गया एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में है। आज मैं हूँ अपना मैसूर में, जो कि इससे पहला वाला ब्लॉग मैंने अपलोड किया था, ब्लॉग बेंगलोर टू मुंबई बाय प्लेन करके मैंने अपलोड किया था इससे पहले ही ब्लॉग। सो बहुत टाइम के बाद मतलब मैं ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, तो वैसे मेरे को टाइम वगैरह मिल रहा नहीं था ब्लॉग अपलोड करने के लिए। 19th of December। सो गाइस आज मैं जा रहा हूँ प्लेनेट अर्थ, जो कि मैसूर में है कर्नाटक में। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे ना बहुत सारे मतलब जानवर, तो वाइल्ड एनिमल छोड़ के बाकी वहाँ पे सब एनिमल्स है। ऑस्ट्रिच हो गया और बहुत अलग अलग जात के मतलब बहुत अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉग्स होते हैं वहाँ पे। सो गाइस चलते इसी के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं प्लेनेट अर्थ के पास। तो पीछे देख रहे हो ये एंट्रेंस है, जो शार्क का फेस आपको दिख रही है माउथ, वो एंट्रेंस है। वहाँ से कुछ स्कूल के बच्चे भी आए, देखो पीछे दिखा दो आपको एक बार, कुछ स्कूल के बच्चे भी आए हमारे साथ। सो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा है देखने लायक, फिर चलते हैं अंदर डाइव। ओहो तो फर्स्ट सब फिशेज वगैरह। गाइज यहाँ पे एंट्रेंस होते साथ सब फिशेज का है, मतलब बहुत सारी फिश अलग अलग तरीके की। यहाँ पे सब एंट्रेंस जैसी होगी वैसी, यहाँ से एंट्रेंस ही एंट्रेंस थे, यहाँ से जैसे एंट्रेंस होते थे यहाँ पे सब फिशेज है। पूरा स्टार्टिंग में पूरा फिशेज होती है, देखिए लाइन से फिशेज के सेक्शन है, छोटे छोटे से फिशेज। नॉर्मल अपना शॉप में नहीं मिलती है ये सब। डैडी वहाँ पर बड़ी फिश का शूटिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं बहुत बड़ा फिश है, तो नाम तो इधर किधर लिखा नहीं, कर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ इसका नाम। बहुत बड़ी फिश है, पर टैंक में देखेंगे हाथ से ही बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी फिश है। ठीक है, अच्छा वो सब पानी के अंदर के सामने ना जो भी रहते हैं, तो यहाँ पे मतलब शेल्स वगैरह जो भी पानी के अंदर रहते हैं शेल्स। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, हाँ यहाँ पे शेल्स वगैरह, हाँ हाँ ये सब क्या है। अच्छा हाँ वो नाम लिखा है ना, गांधी है, पेंसिल से बना उसे दिखेगा भी नहीं, नहीं दिख रहा इसके अंदर पेंसिल के अंदर। गांधी जी जूम करके दिखा दो, गांधी जी बड़े पेंसिल के अंदर। और ये सब है, इसे पेंसिल के पर पूरा बनाया गया है ये सब। ये देखो मोर बनाया पेंसिल के ऊपर,
ये पूरा पीकॉक है और पेंसिल के ऊपर पूरा पीकॉक बना हुआ है। ये कितना अच्छा कलाकारी किया, लेकिन ना देखो ना कितना अच्छा अच्छा किया। ये एलिगेटर है ना, एलिगेटर है, गिलगोटी, कौन सा, जिराफ, ये जिराफ इसमें फोन में दिख रहा है बराबर। ये देखो हॉर्स, हॉर्स है हाँ बराबर। हाँ यह है ना असली चीज, स्नेक जो फिश की डेथ हो जाती है वो सब फिशेज यहाँ रखा गया है, बहुत बड़ा फिश है। सो चलते आगे आगे देखते हैं, मतलब जो जो फिशेज अच्छी अच्छी दिखती है फिर आपको मैं बताता हूँ, आप क्या शेयर करते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। सो चलते स्टार्ट करो। ये बड़ी मच्छी है यार, ये रेड टेल है, पूरे टैंक में अकेला ही है, जब इसकी फोटोग्राफी तो चल रहा है। तो गाइस ज़्यादा बड़ी वीडियो तो बनाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग किस्म की देख सकते हो मेरे चारों तरफ फिशेज ही है, तो इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी तो फिर बहुत टाइम भी लोग बोर भी हो जाते हैं। सो गाइस यहाँ से अभी बाहर जाना है, अभी बाहर का फिशेज वगैरह सेक्शन सब ख़त्म हो गए, अभी बाहर जाते फिर एनिमल देखते बाहर जाते। गाइस यहाँ पे है कोकाटेल, कोकाटेल बर्ड्स है यहाँ पे, कोकाटेल बर्ड्स। अभी स्टार्ट हुआ है बर्ड्स का सेक्शन, सो मतलब बहुत सारी बर्ड वगैरह हर चीज़ मतलब यहाँ पे, अभी देखते हैं आगे आगे क्या क्या है बताते हैं। मतलब सब बनाया भी अच्छा गया है, सब इंतज़ाम वगैरह बैठने का, ये बच्चे को थोड़ा खेलने वेले का है यहाँ पे। यो वाव यहाँ पे रैबिट्स है, इतना बड़ा रैबिट है यार ये। तो लोग तो वहाँ खड़े, अभी वहाँ इंजॉय कर रहे थोड़ा बहुत, देखते यहाँ पे अलग अलग किस्म के रैबिट्स, एक ग्रे रैबिट, सो गाइस यहाँ पे है इग्वाना जो कि मैं खेलने वाले हैं। हाँ बैल भी देखो छोटी वाली गाय। सो अभी स्नेक वाले सेक्शन में भी आ गया मैं, यहाँ पे मतलब माउस स्नेक वगैरह सब कुछ है। चूहा
अलग अलग ब्रीड्स के यहाँ पे माउस वगैरह है और स्नेक्स भी है। स्नेक यहाँ पे स्नेक दिख रहा नहीं होगा, स्नेक है यहाँ पे, स्नेक तो दिख रहा नहीं है। स्नेक का सिर्फ पानी वगैरह रखा हुआ है और स्नेक वगैरह तो दिखा नहीं। वेरी टर्टल, सॉरी एगुआना। जब से मैं एलिगेटर एलिगेटर बोल रहा हूँ, ये है एगुआना। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बता एलिगेटर मतलब इसके से दिखता है ना सर, मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया था। ये है एगुआना, सॉरी फॉर मिस्टेक। सो ये भी बहुत बड़ा एगुआना है। तो गाइस यहाँ पे मतलब जो छोटी वाली जात की, जो मतलब छोटी वाली ब्रीड की जो काव आती है वो यहाँ पर है। वाइट बहुत प्यारी है, दिल कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी, बहुत प्यारी गाय जी। दिल हो रहा है कि अंदर जाओ और लोग का प्यार व्यार करो, थोड़ा घुमाओ वहाँ बाहर निकाल के, लेकिन क्या करें घुमा फिरा नहीं सकते। ये काऊ का ब्रीड का नाम ही है और यहाँ पे डग है, ब्लैक स्वैन, ब्लैक स्वैन है यहाँ पे। सो गाइस मैं बोलता हूँ मतलब आप आ रहे हो मैसूर तो यहाँ पर एक बार विज़िट करके जाओ, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर है। एक बार विज़िट करके जाओ मैसूर आ रहे हो तो आप सब। सो मतलब बहुत अच्छा है, मतलब कैसा है ना, मतलब इंसान जो जानवर नहीं देखा है, ज़ू में भी नहीं देखा है, वो इंसान यहाँ पर एनिमल देख सकता है। जैसे यहाँ पर भी डग्स है, वो इसका डग्स का फेस कैसा है, ये एकदम अलग है। करीब जाने नहीं है, ये कैसा है ना, आंख को इसलिए मारते हैं, लोगों का पैर एक बार पड़ जाए तो इंसान का मुंह फूट जाए एक बार ना। यहाँ पे डॉग्स के सेक्शन है जो अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स है, इतना शोर कर रहे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इतना डॉग्स के देख सकते हो। गाइस यहाँ पर सब कैट्स है, पर्शियन कैट जैसा लोकल मार्केट में भी दिख जाती है, पर्शियन कैट यहाँ पर सब वो है। और अपना अभी चलते हैं डैडी को, तो वो ऑस्ट्रिच बहुत पसंद आया, इस डैडी ऑस्ट्रिच के पास ही घूम रहे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितना बड़ा ऑस्ट्रिच है यहाँ पे। ओहो हो कितना क्यूट है यार, ये क्या है वो, हाँ देसी स्टाइल में मुर्गी बोलते हैं, मुर्गी पहले मुर्गी से मुर्गी वहाँ है, मुर्गा मुर्गी पहले यहाँ पे आपको दिखा दूँ। अफ्रीकन ग्रे पैरेट है, अफ्रीकन ग्रे पैरेट, और सामने अपना मुर्गी है। यहाँ पे ऑस्ट्रिच जो कि बहुत बड़ा है, वहाँ उसके सामने जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ऑस्ट्रिच कितना बड़ा है, वो आ बाहर ना जाए वही डर लग रहा है।
है, गोट्स वगैरह भी है यहाँ पर, देख सकते हो ये वाले गोट को, ये गोट का बेबी है। देख सकते हो अलग अलग किस्म किस्म के मुर्गियाँ हैं यहाँ पे, अलग अलग ब्रीड्स के यहाँ पे, अलग अलग ब्रीड्स के। मुर्गी से ही भरा हुआ है पूरा यहाँ पे सेक्शन, पूरा लड़कियाँ बोल रहा हूँ, ये सेक्शन पूरा मुर्गी अपना बकरे ये सब यहाँ पर भी है। यहाँ पे मतलब अपना ऑस्ट्रिच वगैरह सब ओपन है, ओपन नहीं मतलब जाली में वगैरह में ही यहाँ पे, आगे मम्मी लोग जा रहे हैं। तो पंजाबी घोड़े सर ही दिख रहा है ये वाला, हाथ आगे मत करना काट वाट लेगा, ये बैल का बच्चा मारना दे। ये कितने दांत का बच्चा है, पकड़े खड़ा ऐसे पूरे है चार दांत का। पैसा ही पैसा हो गया। कितना अच्छा डांस कर रहा है। हेलो 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 हेलो, कितना अच्छा बोल रहा है। हेलो इधर आओ, ये मकान है, ये बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे पार्किंग वगैरह का भी टेंशन नहीं है, यहाँ पे पार्किंग वगैरह भी सब कुछ है, पार्किंग वगैरह का भी टेंशन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ का टाइम बता दूँ तो मैं सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 6:30 बजे तक बंद हो जाता है, और मतलब हर दिन ऐसे ही रहता है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे जो भी दिन हो हर दिन मतलब खुला ही रहता है। और इसका टाइम है सुबह खुलने का 10 बजे और शाम को बंद होने का 6:30 बजे। सो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आगे तक पहुँचा दो मम्मी के डैडी के चाचा के मामा के सबके पूछे सब्सक्राइब कर दो, आगे से आगे आगे से आगे तक पूरा सब्सक्राइब करने के लिए पूरा शेयर कर दो। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।